नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ वर्षों के बाद राबड़ी आवास पर एक बार फिर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में तमाम नेताओं को निमंत्रण भी भेजा गया था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पैदल ही पहुंच गए थे, जिनका वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। लेकिन इस दही चूड़ा भोज के बाद कयासों का बाजार गर्म है। जी हाँ, आपको बता दें, लगातार ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील मोदी का कहना है कि नीतीश कुमार इस भोज में पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन वहां केवल 7 मिनट ही रुके। लालू यादव ने उनसे दूरी बनाए रखी और यहां तक कि दही का टीका भी नहीं लगाया। दोनों दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कहना है राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का। नीतीश कुमार 78 विधायकों की पार्टी राजद की कृपा पर मुख्यमंत्री हैं और लालू प्रसाद जब चाहे उन्हें हटाकर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। दोनों के बीच डील भी यही हुई थी। सुशील मोदी ने कहा कि ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे, इसलिए जदयू के मंत्री नीतीश कुमार को बिहार का भविष्य बता रहे हैं, जबकि स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव को बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में नीतीश कुमार 75 विधायकों वाली भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री बने थे, जबकि उनकी पार्टी के पास सिर्फ 44 विधायक थे। वे पहली बार 2001 में 67 विधायकों वाली भाजपा की कृपा से मुख्यमंत्री बने, उस समय उनके पार्टी के 37 विधायक थे। गौरतलब है कि 7 वर्षों के अंतराल के बाद सोमवार को एक बार फिर लालू प्रसाद राबड़ी देवी के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। इस महाभोज में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगी, कांग्रेस, जदयू और वाम दलों के नेताओं के साथ ही राजद के बड़े नेता शामिल हुए और उन्होंने लालू प्रसाद और उनके परिवार के साथ दही चूड़ा का स्वाद चखा। लेकिन इस दही चूड़ा भोज के बाद लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। तो वहीं राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का भी यही कहना है कि नीतीश कुमार वहां चले तो गए थे, लेकिन केवल 7 मिनट रुके और यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने उनसे दूरी बनाकर रखी। अब इन कयासों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ही जानते हैं। अब जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है उसको लेकर आगे क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, क्या जो कयास लगाए जा रहे हैं ये सच साबित होते हैं या नहीं होते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।